ये है रायपुर चौक, बम भोले, शिव मंदिर, ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर। ये लग गया अपना नागपुर। नागपुर के सभी दोस्तों को एक बार नागपुर की याद दिलाता हूँ मैं, खासकर मनीष को। ये है अपना नागपुर। और ये है अपना तुलसी भोजनालय। ये है तपोवन रोड, तपोवन नाला पानी, डाट काली मंदिर, सूर्यदेव ढलने को है पर गर्मी अभी भी कम नहीं है। ट्रिपलिंग जल्दी बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। जय हो सूर्यदेव। बस यही दिखा रहा था आपको व्यू ऑफ सनलाइट, बड़ा मस्त सा दिख रहा है। आंचल डेयरी देहरादून शहजादा रोड। ये पहुंचे हम क्रॉसिंग। और आजकल गर्मियों का टाइम आ गया है तो सबसे ज़्यादा लोग जाने वाले हैं सहजधारा। और यहाँ से राइट को है सहजधारा। सहजधारा जाओ, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, एंजॉय करो। बस मैं पहुंचने वाला हूँ सर्वे चौक। सर्वे चौक से मैं घंटाघर को नहीं जाके हाथी बड़कुला वाली रोड पकड़ूंगा, राजपुर रोड पकड़ूंगा, वहाँ से हाथी बड़कुला को निकलूंगा, क्योंकि घंटाघर से मेरे को लंबा पड़ जाएगा और इधर से थोड़ा शॉर्ट है। तो यहाँ से राजपुर रोड और राजपुर रोड से हाथी बड़कुला, वहाँ से सीधे गढ़ी। इंजन से बहुत हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा। विधानसभा, ऋषिकेश, घंटाघर और ऊपर को सीधे आगे को घंटाघर और ऊपर को निकले हम राजपुर रोड। ट्रैफिक लगी हुई है। ये क्रॉस रोड मॉल है, यहाँ से निकले हम राजपुर रोड। थोड़ा सा ठंडी हवा मिली, थोड़ा सा। ये पहुंचे हम राजपुर रोड। यहाँ से दिलाराम चौक जाऊंगा और दिलाराम चौक से हाथी बड़कुला। यह है देहरादून राजपुर रोड। ये है दिलाराम चौक, सीधे आगे को राजपुर रोड को जाती है और ये रोड जाती है हाथी बड़कुला को। तो हम निकलते हैं हाथी बड़कुला को। मुख्यमंत्री आवास बीजापुर, हकीकरा। और अब लग गया ठंडा इलाका, ठंडी ठंडी हवा खानी है तो इधर आने का मज़ा आ गया यार। बिल्कुल चिल्ड हवा और ठंडी हवा है। ये देहरादून की मस्त जगह, ठंडी ठंडी हवा खाने को इधर ही मिलेगा भाई। राज अतिथि गृह है राजभवन। हम निकल गए गढ़ी कैंट वाली रोड पे, बल्लूपुर वाली रोड पे या मीन्स, और जो स्ट्रेट रोड जाती है वो जाती है गुच्छू पानी। गुच्छू पानी मीन्स आजकल गर्मी शुरू, तो चलो गुच्छू पानी। मस्त स्विमिंग पूल में नहा के कूल होने का है। ये पूरा आर्मी एरिया है, आर्मी एरिया, और बहुत ठंडा इलाका, बहुत मज़ेदार इलाका है बोले तो मस्त। वाह 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 वाह, क्या बात है। टपकेश्वर मंदिर मेरे भोलेनाथ का दरबार है, इधर से टपकेश्वर को जाते हैं। बाबा टपकेश्वर की। और ये है गढ़ी चौक। और राइट लेफ्ट को जाओगे तो पहुंचोगे बल्लूपुर, स्ट्रेट निकलोगे तो पहुंचोगे वीरपुर। मेरे को जाना है आर्मी एरिया में, आर्मी एरिया के अंदर क्वार्टर्स, आर्मी क्वार्टर्स में, तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता है। तो हमारी तुम्हारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह है वीरपुर गेट। और नए दोस्तों से मेरा आग्रह है कि वो मेरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।